बुधवार की देर रात राजधानी पटना में अपराधियों ने हॉस्टल संचालिका के साथ जा रहे चार लोगों को गोली मार दी थी। पॉश इलाके राजवंशी नगर के ऊर्जा ऑडिटोरियम के पास घटित घटना के बाद पटना पुलिस में खलबली मच गई है। अपनी फजीहत होते देख पटना पुलिस इस मामले को दो एंगल से जांच करने का दावा कर रही है। पटना पुलिस की माने तो लूट के अलावा हॉस्टल संचालन में व्यावसायिक से भी जोड़कर पुलिस इस मामले को देख रही है, लेकिन परिजनों ने पटना पुलिस की थ्योरी को खारिज कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह मामला 100% लूट का है। बता दें कि बुधवार की देर रात तकरीबन 12:30 बजे राजधानी पटना का राजवंशी नगर इलाका गोलियों से थरथरा उठा। दरअसल ऊर्जा ऑडिटोरियम के पास नाकाब पोस्ट अपराधियों ने एक हॉस्टल में काम करने वाले चार कर्मियों को एक साथ गोली मार दी। यह सभी कर्मी हॉस्टल के संचालिका मीरा कुमारी के साथ काम खत्म कर देर रात घर वापस लौट रहे थे, लेकिन ऊर्जा ऑडिटोरियम के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने बुलेट पर बैठकर जा रही हॉस्टल संचालिका को रोककर उनकी चेन लूटने की कोशिश की। इस दौरान पीछे से स्कूटी पर तीन लोग आ गए। अपराधियों को लगा कि वह पकड़े जाएंगे, इतने में उन्होंने तबाहतोड़ फायरिंग कर चार लोगों को बीच सड़क पर लहूलुहान कर दिया। घटना की सूचना जब हॉस्टल संचालक संचालिका के पति को गई तो वह आनन फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन पटना पुलिस द्वारा समय पर रिस्पांस नहीं दिए जाने से बेहद खफा है। संचालिका के पति का कहना है कि यह मामला लूट का है और पुलिस को अपराधियों तक पहुँचना और उसे बेनकाब जरूर करना चाहिए। कल रात को 11:30-12 के बीच में मेरे पास फोन आया कि गोली लग गई है। तो फिर हम घर पे ही थे तो हड़बड़ में हम जल्दी से निकले, गाड़ी लिए कार को। वहाँ पहुँचे तो देखे कि वहाँ पे गाड़ी पे सब लोग गिरा हुआ है, बच्चा लोग चारों गिरा हुआ, सबका खून से लथपथ था। तो हम लगा सबको लगा हुआ है, वाइफ को भी लगा, पूरे खून से लथपथ थी। तो हम तो मेंटल बैलेंस स्वास्थ्य बिगड़ जाता है कि भाई 5 लोग है, उसको कैसे हम अरेंज करें। रोड पर लोग है लेकिन कोई उसको उठा नहीं रहे थे, अकेले थे। फिर हम जैसे तैसे करके उसको सबको गाड़ी में डाले, सबको बोले कि तुम कम से कम जहाँ पर आग लगा वो सब अपने हाथ से दबा के रखो ताकि ब्लीडिंग नहीं हो। तो उसको दबाए सबसे जबरदस्ती कर करके, दर्द करेगा लेकिन करो पकड़ो। उसके बाद फिर हम थाना का फ़ोन किए, लेकिन थाना में से कोई नंबर एग्जैक्टली थाने मेरे पास, तो SP साहब को फ़ोन किए, SP ऑफिस फ़ोन किए, वहाँ से कोई हमको ढंग से जवाब नहीं मिला। हम उनको बता रहे थे कि लोकेशन नहीं है लेकिन कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। SP ऑफिस पता नहीं, नंबर तो SP ऑफिस का आ रहा था, चूँकि नेट से निकाले थे। उसके बाद फिर हम अपने दोस्त हॉस्पिटल में फ़ोन किया, यहाँ पे MR हॉस्पिटल में सारा व्यवस्था हुआ, तब तक यहाँ लेके आए। आप ही लेके आए? हाँ, खुद ही लेके आए थे। पुलिस नहीं गई? नहीं। कितनी देर के बाद आप लेके पहुँचे? हम लगता है 10 से 12 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुँच गए यहाँ पे। उसके बाद हाँ, सारे लोग व्यवस्था भी हो चुका था और डॉक्टर रफीक जो है वो यहाँ के ओनर हैं। और घटना का कारण आपको क्या लगता है? देखिए सर, अगर पता होता हमको कि अगर इंटेंशन भी हो सकता है, अगर मान लीजिए किसी का रिवेलरी भी हो, चूँकि बिजनेस में किस्सा क्या होता है आज पता नहीं चलता किसी से है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हॉस्टल को नहीं, नहीं, अगर मान लीजिए आम जिंदगी में हम लोग का बहुत लोग हैं, कंप्यूटर है, और एक फील्ड में SSP तो कह रहे हैं कि हॉस्टल को लेकर, हॉस्टल को लेकर कुछ उन्होंने बताया है कि हॉस्टल। देखिए सर, बातें तो अगर मान लीजिए हम निकालेंगे तो हर एक बात की 10 बात निकलती है, तो वो तो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अब क्राइम हुआ है, पहले हमको उसको देखना है, बाद में जो भी आएगा। अगर आप ऐसा कुछ है, ऐसा एंगल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। हम कहाँ इस पर डिनाई कर रहे हैं। मेरा मानना है कल डिस्प्यूट होगा तो यहाँ पे बता सकते हैं सर, डिस्प्यूट। उधर पटना के SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो का दावा है कि यह मामला पटना पुलिस दो एंगल से देख रही है, एक तो लूट का और दूसरा व्यवसायिक का। पटना SSP का दावा है कि परिजनों ने हॉस्टल संचालन में कुछ की बात भी बताई, हालांकि परिजन पटना पुलिस के दावे को सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मानवजीत सिंह ढिल्लो, वो सुने आप लोग। बता दीजिएगा जब शुरू करना होगा। ये क्या मामला है, एक बार कैसे क्या? शास्त्री नगर थाना में कल मध्य रात्रि की घटना है। तकरीबन 12 और 12:15 के बीच में ऊर्जा पार्क ऑडिटोरियम के पास जो एक हॉस्टल संचालन करती हैं मीरा कुमारी उनका नाम है, वो अपने स्टाफ के साथ, ये लोग दो वाहनों से आ रहे थे। इनका जो हॉस्टल चलता है बोरिंग रोड पर चलता है और इनका घर AG कॉलोनी में है। तो मीरा कुमारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पर थे और जो उनके 3 स्टाफ हैं सोनू कुमार, अभी आशीष कुमार और काजल कुमारी स्कूटी पे आ रहे थे। तो इनका कहना है कि अचानक 3 अज्ञात जो मोटरसाइकिल ड्राइवर थे, इन्होंने 2 हेलमेट डाला हुआ था,
इनको ओवरटेक किए और फायरिंग शुरू किए। फायरिंग के क्रम में चार लोग इंजर हुए जिसमें सभी आउट ऑफ डेंजर हैं और दो लोग आज डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। एक को हाथ पे गोली लगा है, एक को पांव के तले पे गोली लगा है। जो काजल कुमारी है उसको थाई पे गोली लगा है और अभिषेक कुमार को पीछे बट पे गोली लगा है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो इसमें दो प्रकार के कारण आए हैं। मीरा कुमारी का कहना है कि जब घटना हो गई उसके बाद उनका चेन उन्होंने स्नैच किया, लेकिन पूरा चेन स्नैच नहीं कर पाए, उनके पास ही था। और जो उनके पति हैं तो उनसे भी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि कुछ कुछ हॉस्टल के संचालन को लेकर किसी के साथ विवाद भी था। तो अभी हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। हमारी जो सीसीटीवी की टीम्स हैं पूरे एरिया का सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर रहे हैं। हम लोगों का जो अपना एसआईयू का टीम है, डायल 100 का टीम है, वो भी घटनास्थल पर, हम लोग स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण करके आए हैं। और अभी हम लोग औपचारिक रूप से प्राथमिकी का वेट कर रहे हैं कि प्राथमिकी में क्या कारण इसका बताया जाता है। तो इस प्रकार अभी तक दो एंगल्स सामने आए हैं और हम दोनों एंगल्स के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। और एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुआ है, एफआईआर दर्ज होने पर और स्पष्टता सामने होगी। तो आपने सुना मनोजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें NBC 24।